मंगल को जोधपुर के ओल्ड कैंपस कॉलेज के कमरे में क्रिकेट कोच नरेंद्र सिंह पवार ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके पश्चात मृतक के परिजनों द्वारा एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमा होकर दारा की हत्याओं के मामले में दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने की मांग की, जिसके बाद मृतक नरेंद्र सिंह पवार के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। मृतक की आत्महत्या के बाद मृतक की मां ने भी वीडियो जारी कर कुछ लोगों पर धमकाने सहित मानसिक प्रताड़ना देने के शक जाहिर किए, जिसके आधार पर पुलिस ने नामजद लोगों को पूछताछ शुरू की है। उदय मंदिर थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मृतक की मां द्वारा और भाई द्वारा दी गई रिपोर्ट पर उन्होंने जिन लोगों के नाम बताए उन लोगों को पूछताछ के लिए बुला लिया गया है और उस पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। थाना अधिकारी का कहना है कि मौके पर एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। साथ ही मृतक के मोबाइल का सारा डाटा भी फॉर्मेट पाया गया है, जो कि एसएफएल टीम को भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम जानकारी मिल पाएगी। पुलिस ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। हाँ, उसमें नामजद आरोपी एफआईआर में है, जिनको अनुसंधान के लिए बुला लिया गया है। सारे एविडेंस एकत्रित होने के बाद में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, उसमें ये भी था कि जो उनका सेल फोन था पूरा फॉरवर्ड कर दिया गया, ऐसी कोई बात है? नहीं, अभी फ़ोन हमारे पास कब्जे में है पुलिस के, और अगर किसी ने फॉर्मेट कर दिया तो वो एफएसएल के माध्यम से हम वापस उसको रिट्राइव करवा लेंगे, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं। अभी अनुसंधान का विषय है, ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन एक बार प्रथम सबके बयान वगैरह अन्य एविडेंसेज आ जाए, उसके बाद में फिर अगला स्टेप।